गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको हिंदी में पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है माँ और मेघा। मेघा शाम को कार में बैठकर माँ के साथ बाजार जाती है। माँ ने एक हाथ में थैला पकड़ा हुआ था। माँ ने बाजार जाकर सेब खरीदे। माँ ने कहा, प्रतिदिन एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर माँ ने आम खरीदे। माँ ने बताया, यह फलों का राजा होता है। माँ फिर सब्जी की दुकान पर गई और वहां से उन्होंने पालक और गाजर खरीदी। उन्होंने बताया कि पालक और गाजर खाने से आंखें ठीक रहती हैं। वे आगे बढ़ी और मेघा से बोली। मेघा ने माँ से बोला, माँ मुझे नई गुड़िया लेनी है। माँ मेघा के साथ खिलौने की दुकान पर गई थी और माँ ने फिर मेघा के लिए एक गुड़िया खरीदी। मेघा ने आइसक्रीम दिलवाने के लिए कहा। माँ ने मेघा को आइसक्रीम भी दिलवाई। फिर उसने चॉकलेट की मेघा ने फिर माँ से चॉकलेट दिलाने को कहा। तब माँ ने कहा कि बेटा, आज आइसक्रीम आपने खा लिया है, अब चॉकलेट किसी और दिन खाना, क्योंकि बाहर की चीजें ज्यादा हमें नहीं खानी चाहिए, उससे खराबी होती है। फिर माँ के साथ मेघा कार में बैठकर घर लौट आई। तो बच्चों, आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो ये कहानी एक माँ और उनकी बेटी मेघा के बारे में है, जो मिलकर बाजार जाते हैं और वहाँ जाकर सब्जियाँ, फल और खिलौने खरीदते हैं। धन्यवाद।